हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं सेकेंड सेम। और किसी भी आर्कियो साइट्स को डील करने के पहले जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ कि हर आर्कियो साइट्स में आप लोगों को पॉइंट बना के देनी है, वो पहली चीज़ ये है। देखिए, आर्कियो साइट्स की हेडिंग देख लीजिए। पूरा पुरातात्विक स्थल पर यदि कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी सिचुएशन, वो कहाँ पर है, कौन से जिले, कौन से राज्य में है, और अगर आप उसको अक्षांश देशांतर भी बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बता सकते तो सिचुएशन आदर्श तरीके से बताइए। उसके बाद एक्सकेवेशन किसके द्वारा और कब कराया गया है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है बिहाइंड दिस, कौन से लोग हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। एंड देन स्पेशलिटीज़ क्या हैं, स्पेशलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करिए उसकी विशेषताओं को। पहला, कौन सी संस्कृति है, जैसे कि हम अभी ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कौन सी संस्कृति है चारों में से, वो आप इसमें डिटेल दीजिए। और फिर जनरल स्पेसिफिकेशंस आती हैं इसमें, ये स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे कि जनरल चीज़ें, जैसे कि वो ग्रामीण सभ्यता थी या उसमें कोई एरो हुक पाया गया या कोई कुछ स्पेशल चीज़ अगर उसमें पाई गई है तो वो सब चीज़ें डील करिए। तो आर्कियो साइट्स को इन सारे पॉइंट्स में ही आपको डील करना है। फर्दर आज हम लोग नावदा टोली साइट को डील करने जा रहे हैं। नावदा टोली इज सिचुएटेड, इट्स एक्चुअली चैल्कुलिथिक साइट है, आप लोगों को पता है हम लोग सारी अभी चैल्कुलिथिक साइट्स को ही डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो दिस साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा इन डिस्ट्रिक्ट निमाड़ वेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड सिचुएटेड इन महेश्वर। जैसा कि आपको पता है निमाड़ में महेश्वर में नावदा टोली जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एंड दिस साइट इज एक्सकेवेटेड बिटवीन 1957 to 1959 बाय डेकिन कॉलेज पुणे। 1957 to 1959 के बीच में डेकिन कॉलेज पुणे के द्वारा दो सेशंस में इसको उत्खनन किया गया था। इट इज़ द वास्ट चैल्कोलिथिक सेटलमेंट। एक्सकेवेशन रिवील्ड टू पीरियड्स ऑफ विच पीरियड फर्स्ट वॉज चैल्कोलिथिक फर्दर डिविजिबल इंटू फोर सब पीरियड्स एंड पीरियड टू बिलोंग्स टू द आयरन एज। जो हमको वहाँ पर साइट में स्पेसिफिक कल्चर्स मिले हैं या आप समझ लें जो स्तर मिले हैं, हम वो दो स्तर मिले हैं, पीरियड वन और पीरियड टू। पीरियड वन चैल्कोलिथिक है जिसको हम आगे चल के चार छोटे छोटे उप विभागों में बांटेंगे जिन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, और पीरियड टू जो है वो आयरन एज से शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पीरियड वन ही डील करेंगे क्योंकि हम लोग केवल चैल्कोलिथिक को डील कर रहे हैं। वी विल डील ओनली द पीरियड फर्स्ट विच इज चैल्कोलिथिक कल्चर, एंड द पीरियड ऑफ दिस चैल्कोलिथिक कल्चर इज बिटवीन द 1600 BC टू द 1300 BC। 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच की जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो नावदा टोली में से मिलती है हमको। तो सबसे पहले हम लोग उस पीरियड को फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ए पे आएंगे। चार खंड बोले मैंने, चार में से पहला सब पीरियड फर्स्ट ए। फेज वन बिलोंग्स टू द मालवा वेयर अलॉन्ग विद द वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर। पहला जो चरण है वो मालवा वेयर, मालवा पात्र जैसा कि आप जानते हैं लाल रंग का पात्र होता है, काले रंग से चित्रण होता है, और मालवा ये जोन में बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छे से पहचाना भी जाता है। डिपार्टमेंट में कई बार आप लोग इनकी पॉटरीज को देख भी चुके हैं। सो फर्स्ट फेज में हमें मालवा वेयर मिलता है जिसके साथ में वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर सिंपल उस पर वाइट कलर से पेंटिंग, ऐसे भी पॉटरी साथ में मिलती हैं। टू टेक्निक ऑफ पॉटरी मेकिंग डेवलप्ड इन दिस फेज। अ मड हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इन दिस लेयर। इसमें जो दो तीन चीज़ें मिली है, इसमें एक पात्र प्रकार और साथ में चल रहा है जो कि चित्रित काला एवं लाल पात्र है, और साथ ही इसमें से एक ऐसा मड हाउस कच्चा घर मिला है जो कि जला हुआ मिला है, किसी कारण से उसमें आग लगी होगी। ये सब पीरियड वन ए हो गया। सब पीरियड से वन बी, ऑल द वेयर ऑफ दिस फर्स्ट ए कंटिन्यूड इन द फेज टू। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ए से फर्स्ट बी में जैसे हम लोगों ने कायथा पढ़ा था, आपने देखा था कि चैल्कोलिथिक के बिल्कुल स्पष्ट एक जगह बस ओवरलैपिंग हमको मालवा और अहाड़ के बीच में दिखी थी, बट हमें यहाँ पर फर्स्ट ए बी सी डी ए जो चारों फेज हैं इनमें हमको कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस फेज वेयर इसमें दिखाई देगी, मतलब पुराने फेज के जो भी पात्र हैं वो नेक्स्ट फेज में भी आएंगे। एंड सो पहले फर्स्ट ए के जो पात्र हैं वो फेज टू यानी कि फर्स्ट बी में भी हमको दिखाई देते हैं। इसके साथ में हमको हैंडमेड कोर्स वेयर, हाथ से बने हुए मोटे पात्र, इनको कहते हैं हस्त निर्मित मोटे पात्र, वो भी हमको प्राप्त होते हैं। सम जौरवे वेयर ऑल्सो फाउंड ऑन दिस फेज विच बिलोंग्स टू द जौरवे चैल्कोलिथिक कल्चर। सो इन दिस लेयर टू टाइप ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स वर सर्वाइविंग टुगेदर। देखिए इसमें फेज टू में हमारे पास एक नई चीज़ ये आ गई कि जौरवे वेयर भी मिलने लग गए। तो एक तो मिल रहा है फेज वन के जिसमें मालवा वेयर आ गया,
मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि चार प्रकार की चालकोलिथिक कल्चर्स पाई जाती हैं। अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली पकड़े तो कायथा, आहाड़, मालवा एंड जोरवे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मालवा मिला फर्स्ट ए में, और जब हम फर्स्ट बी में आए तो हमको मालवा वेयर के साथ साथ में जोरवे वेयर में मिलने लग गया। तो दो टाइप के चालकोलिथिक कल्चर वाले लोग एक ही साथ इस लेयर पर हमें सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं। अब आता है सब पीरियड फर्स्ट सी, बी आर डब्ल्यू। इसमें जो ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ फेजेस में बी आर डब्ल्यू मिल रहा था, वो इस फेज में डिसअपियर हो गया। आपको मैंने वो उसमें क्लियर नहीं लिखा है। बी आर डब्ल्यू इज एक्चुअली द कॉमन टाइप ऑफ पॉटरी विच इज सीन इन द ऑल लेयर्स, ऑलमोस्ट ऑल लेयर ऑफ द सेक्शन। लेकिन इसमें फर्स्ट ए और बी में जो दिख रही थी वो फर्स्ट सी में से डिसअपियर हो गई, कौन सी, बी आर डब्ल्यू। एंड अदर वेयर्स लाइक मालवा कोर्स रेड वेयर एंड जोरवे वेयर वर कंटिन्यूड। जो ऊपर थी वो नीचे बी आर डब्ल्यू का आया हुई थी, पर बाकी सब एज इट इज था। फिर आता सब पीरियड फर्स्ट डी, ऑल द वेयर ऑफ फर्स्ट सी इज कंटिन्यूड इन दिस लेयर, अनपेंटेड बी आर डब्ल्यू वर ऑल्सो यूज। अब यहाँ पर बी आर डब्ल्यू आया है, फर्स्ट सी में नहीं था, फर्स्ट डी में आया है लेकिन विदाउट पेंटिंग आया है। जोरवे वेयर बिकेम प्रोमिनेंट इन दिस फेज, यहाँ पर आकर के मालवा वेयर कम और जोरवे वेयर ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये चारों फेज जो हैं, फर्स्ट ए बी सी डी, ये चारों चालकोलिथिक कल्चर के फेजेज हैं, अलग अलग फेजेज या अलग अलग स्तर हैं। अदर चालकोलिथिक एंटिक्विटीज वर ऑल्सो रिट्राइव लाइक माइक्रोलिथ्स, कॉपर चीजल, एरो हेड, फिश हुक्स, इट इज़ अ प्रोमिनेंट थिंग, एंड शेल बैंगल्स ऑल्सो फाउंड। देखिए बाकी की सारी एंटिक्विटी जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की होती है वो भी यहाँ पर हमें मिली है, जिससे हमें पक्का होता है कि यहाँ पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति बनप रही थी। जैसे कि कुछ लघु पाषाण उपकरण हैं, कुछ तांबे के छोटे टुकड़े हैं, और कुछ एरो हेड जो बाणाग्र बोलते हैं जिसको, वो है। और एक सबसे यूनिक चीज़ जो नावदा टोली विच इज़ नोन फॉर, वो है मछली पकड़ने की हुक, जो इसके पहले हमें नहीं दिखाई दिए थे वो यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि चूंकि नदी के किनारे हैं तो ये लोग मछली वगैरह पकड़ करके उसको फूड में इस्तेमाल कर रहे होंगे। और शेल से बने हुए बैंगल वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। अ होल स्ट्रक्चर वर राउंडेड फॉर राउंड और रेक्टेंगुलर और वुडन पोस्ट। जो घर मिले हैं वो कच्चे घर थे, जैसे कि होते हैं चालकोलिथिक कल्चर में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो या तो गोल थे या चतुर्भुजी कल थे, और इनको उनके जो वुडन पोस्ट हमको मिले उसके आधार पे हम इन घरों का अंदाजा लगा लेते हैं। एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, पिग्स ऑल्सो फाउंड इन दिस फेज। मतलब कि कुछ एनिमल जो हमेशा चालकोलिथिक के साथ पर टेम करे हुए उन लोगों के बाकी कल्चर्स में मिलते हैं, तो यहाँ पर भी मिलते हैं। वन सेरेमिक गॉबलेट ऑफ मालवा वेयर इज वेरी फेमस पॉटरी ऑफ दिस फेज। ये मालवा वेयर है, मैंने बनाकर दिखाने की कोशिश भी आपको इसमें करी। इसको साधार प्याला भी कहा जाता है, और इसमें जो मैंने ये जिगजैग बनाने की कोशिश की, पूरा लाल पात्र है जिस पर ये जिगजैग जो है वो काले तरह उससे पेंटिंग है। फेमस मालवा पॉटरी और ये टाइप का यहाँ से मिलता है। एंड नेक्स्ट फेज इज नॉट चालकोलिथिक कल्चर, सो पीरियड टू बिलोंग्स टू द आयरन कल्चर विच इज़ नॉट डीलिंग हेयर। तो ये जो ये पूरा आपको मैंने लिख करके दिया है, ये आप लोगों को नावदा टोली में माहेश्वर नावदा टोली लिखा रहता है उसमें, तो माहेश्वर इसलिए लिखा जाता है। जैसे कि आहाड़ बनास, तो बनास कल्चर है, बनास नदी के तट पर आहाड़ में पाया जाता है, इसलिए उसको लिंक कर दिया जाता है। सिमिलर ही है, यहाँ पर माहेश्वर से लिंक किया जाता है। यहाँ का कोई दो स्थल नहीं है, स्थल एक नावदा टोली है विच इज सिचुएटेड इन माहेश्वर, सो वी आर कॉल्ड टू माहेश्वर नावदा टोली। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरन। इसको भी आप फटाफट देख लीजिए। इसमें एरन इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट सागर, मध्य प्रदेश, नियर बैंक ऑफ रिवर बीना। द एक्सकेविशन वॉज हेल्ड इन 1960-61 से लेकर के 60-61 में एक फेज, फिर 65 में, एंड देन इन 87-88 प्रोमिनेंटली बाय KD वाजपेयी। और डिपार्टमेंट वही AIHC वहाँ का, सागर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने यहाँ की खुदाई की थी। एरन इज इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक जिससे अलॉन्ग विद द प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल साइट इज लाइक सती पिलर एंड गुप्तारा। देखिए जैसे बाकी की चीज़ें होती हैं वैसे यहाँ सती पिलर हिस्टोरिकल फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, एरन का। लेकिन चूंकि हम लोग तो चालकोलिथिक साइट से डील कर रहे हैं, तो हम लोग केवल इसके ताम्रपाषाणिक सभ्यता की ओर ही ध्यान, संस्कृति की ओर ही ध्यान देंगे, ना कि ऐतिहासिक चीज़ों की ओर। जबकि यहाँ पर बाद के समय में अच्छे एंटिक्विटीज़ भी मिली हैं। एरन जाना जाता है पहली बार सती पिलर यहाँ पर मिलने के लिए भी। सो कम बैक टू द टॉपिक, इन एक्सकेविशन पीरियड वन इज चालकोलिथिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें बाकी के जो पीरियड हैं वो हमारे लिए विषय से बाहर हैं, क्योंकि वो हम ऐतिहासिक काल में चले जाते हैं। हम लोग केवल पीरियड वन, काल प्रथम चालकोलिथिक है, इसलिए हम उसको डील कर रहे हैं।
पीरियड वन इन दिस लेयर सम माइक्रोलिथ्स एंड मालवा वेयर फाउंड ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर. देखिए हमारा कोई ना कोई वेयर तो होगा चारों में से, तभी हम उसको चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं. सो हेयर इट इज मालवा वेयर. मालवा वेयर है जो चालकोलिथिक कल्चर से मिलता है. तो मालवा वेयर की ही डेट 1500 BC के आसपास आप समझ लीजिए. प्लेन एंड थिन ग्रेन ग्रे वेयर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दिस लेयर. देखिए एक एक पात्र और मिल रहा है जो कि ग्रे कलर का है और पतला भी है, सादा है, रिजेंबल करता है पेंटेड ग्रे वेयर से. आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ नॉट द PGW या उसका किसी भी तरह से कोई लिंक इसमें नहीं है. सम अदर वेयर इज रेड वेयर ऑल्सो फाउंड. लाल पात्र भी यहाँ पर पाया जाता है. टेराकोटा एनिमल फिगरिंस यहाँ से हमको मिलती हैं. टेराकोटा से बनी हुई पशु मूर्तियाँ, बीड्स, स्टेटाइट के बने, कर्नेलियन के बने, शेल के बने, शेल की बैंगल, पिन ऑफ बोन फाउंड इन दिस लेयर ऑल्सो, एक हाथी की हड्डी की बनी हुई पिन. द न्यू टाइप ऑफ BRW ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दिस लेयर इन विच ब्लैक पोर्शन इन दिस फैब्रिक वॉज ओनली इन द इंटीरियर अलोन, एक्सटीरियर पार्ट इज रेड, दे आर पेंटेड. देखिए ये एक स्पेसिफिक BRW है. स्पेसिफिक इसलिए कहेंगे क्योंकि BRW आप लोग जानते हैं कि अंदर से जो होता है काला होता है, रिम में आकर ग्रे होता है और उसके बाद बाहर का हिस्सा जो होता है वो लाल होता है. लेकिन इस BRW में अंदर पूरा का पूरा काला है, लेकिन काला कलर बाहर रिम में तक जो ग्रे होते हुए आता है वो नहीं है, बाहर का हिस्सा पूरा का पूरा लाल है. और इस तरीके के BRW हमको एरन में मिलते हैं. पेंटेड ग्रेवियर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडो गैंगटिक प्लेन्स. जो मैं आप लोगों को कहने जा रही थी, इंडो गैंगटिक प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट वेयर PGW जिसको कहते हैं चित्रित धूसर मृद भांड, इसको हिंदी में कहते हैं, वो पाया जाता है. यहाँ भी हमको ग्रेवियर मिल रहा है, लेकिन ये उस ग्रेवियर जैसा बिल्कुल भी नहीं है. और ये एक नई चीज़ भी है चालकोलिथिक में जो पाई जाती है. इन दिस साइड फर्स्ट टाइम फोर्टिफिकेशन ऑन द चालकोलिथिक लेवल. मैंने कहा ना हर एक उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है. वहाँ पर हमको फिश के हुक मिले थे नावदा टोली में, और यहाँ पर हमें फोर्टिफिकेशन मिला है फर्स्ट टाइम इन चालकोलिथिक लेवल. इसलिए क्योंकि चालकोलिथिक लेवल पर गांव बसते थे, किसी तरह के फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी. फोर्टिफिकेशन सुरक्षा के लिए किया जाता है, चाहे वो पशुओं की सुरक्षा के लिए किया जाए या सेना वगैरह की, किसी तरह से खतरा हो तो उस लेवल पे, उस स्तर पर तो सेना आदि का खतरा नहीं हो सकता. ऐसा जान पड़ता है कि पशुओं से सुरक्षा के लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया होगा. अदर देन ऑल द चालकोलिथिक साइट्स ऑफ द मालवा इट इज टू फार एंड ओनली साइट ऑफ दैट बेल्ट. उस बेल्ट में, सागर और उसके आसपास के बेल्ट में पाई जाने वाली चालकोलिथिक साइट वही है, नहीं तो ज़्यादातर सघन क्षेत्र जो है वो मालवा के इस जोन में, जो इंदौर को या उज्जैन को सेंटर में लेकर के हम लोग बनाया तो मिलता है. सो इट इज़ टू फार एरर. लेकिन फिर भी चालकोलिथिक रिमेन्स मिलने के कारण एक प्रोमिनेंट चालकोलिथिक साइट मध्य प्रदेश की हो जाती है. रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक एग्रो बेस्ड कल्चर, विलेज सेटलमेंट एटसेट्रा द रिमेन्स इन. बाकी की सारी चालकोलिथिक कल्चर की विशेषताएं, जिसमें कि ग्रामीण वसाहत होती है इसमें और कृषि उत्पादन करते हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड एरन. तो आप लोगों के दो आर्कियो साइट्स मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए. वन इज़ नावदा टोली, माहेश्वर नावदा टोली, एंड अदर इज़ एरन. सो इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.